तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे बच्चे के टिफ़िन के लिए ग्वार फली की सब्ज़ी। और ये फिर से मैं आज कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने कुकर लिया हुआ है, इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। डाल दिया है सब सामान, सरसों, लहसुन, मिर्ची, कड़ी पत्ता सब मैंने इसमें डाला है। तेल भी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा है इसलिए तेल भी कम डाला है। ये मैं अब हल्दी डालने जा रही हूँ। ये देखिए, हल्दी इसलिए मैंने तेल पे डाल दिया है ताकि जब भी मैं सब्जी डालूँ तो वो रंग सब नहीं हो जाए। डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया। अब ये मैं नमक डाल रही हूँ। नमक ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि सब्जी थोड़ा सा है ये। और इसके ऊपर मैं टमाटर डालूँगी। ये 1-2 टॉस करने के बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दिए। 2 से 3 टमाटर है, अब इसको भी मैंने सिर्फ टॉस करना है 1-2 टॉस। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और 1 सीटी पे हो जाएगा। कुकर में बनाने का फ़ायदा इसीलिए है कि इसको बार बार चम्मच चलाना नहीं पड़ता है। ये कुक हो जाने के बाद 1 सीटी में आप उतार सकते हो। मैं कुकर बंद कर दिया और आँच भी लगभग मैंने तेज कर दिया है। अब ये 1 सीटी हो जाएगा फटाफट, फिर हम बन गया ये सब्जी तैयार। गाइस, ये सब्जी रेडी है और ये मैंने गैस बंद कर दिया। अब ये रेडी हो गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे ठंडा हो गया। अब मैं इसे खोल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं कुकर खोल रही हूँ। ये तो ये हो गया ग्वार फली की सब्जी रेडी। ये देखिए, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, बार बार चम्मच चलाना नहीं पड़ा, इसलिए मैं कुकर में बनाती हूँ। ये हो गया रेडी, ये आप देख सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे टिफ़िन में मेरे बेटे के लिए पैक कर दूँगी। थोड़ा सा ही खाता है इसलिए इतना ही, ये थोड़ा और बच गया। देखिए।